बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा आज ऑनलाइन आने का मकसद ये था कि मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था। पहली बात तो ये है कि मैंने एक जो है ना पेज बनाया और एक यूट्यूब चैनल बनाया है, हेल्पिंग हैंड एंड फाउंडेशन के नाम से ये दोनों चीज़ें हैं। तो दोस्तों, पहली बात ये है कि आप इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। तो दूसरी बात ये थी कि मैंने ये किस वजह से बनाया। मैं एक दिन जो है ना रेस्टोरेंट में गया खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे मैं बैठा था, खाना खा रहा था, तो एक 50 से 60 साल का एक बूढ़ा आदमी था, मेरे बाप की तरह था वो भी। तो वो आया और मुझे कहता, बेटा मुझे भूख लगी है, मैंने खाना खाना है। तो मैंने वेटर को बुलाया, मैंने कहा इनको ना आप खाना दे दें, जितना हो सके जो है ना, जितना हो उनसे खाया जाता है इनको दे दें। उन्होंने उनको दो रोटियां कुछ साथ सालन दिया, तो वो खाना स्टार्ट कर दिया उसने। तो जब उसने एक रोटी खाई तो उसने ना अपना हाथ जो है ना नीचे खींच लिया। तो मैंने उनकी तरफ देखा, तो मैंने उनसे पूछा, अंकल आप इस तरह करें, ये जो दूसरी रोटी भी है ना ये खा लें। तो उनके आँखों से आंसू आ गए, कहते कि मैं घर में भी एक ही खाता हूँ। तो उसका कहने का मकसद यही था कि हम जो उनकी फैमिली मेम्बर्स थे, जो भी थे घर में, उसके बेटियाँ थे या बेटे थे, जो भी थे, मतलब कि राशन कम होने की वजह से उनके घर में ना वो रोटी वगैरह जो थी वो कम बनती थी, और वो एक एक रोटी पे गुजारा कर रहे थे सब लोग। तो मैंने फिर वहाँ से मैंने सोचा, तो सर्च की मैंने, मैंने कहा क्यों ना ऐसा हो कि मैं एक चैनल बनाऊं और एक पेज बनाऊं, और इस पेज या चैनल से मैं जो भी अर्निंग करूं मैं इन लोगों में तकसीम कर दूं, जिनके घर राशन नहीं है या किसी और वजह से वो परेशान है, जिस तरह की भी उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो मैं जितना हो सकेगा मैं करूंगा। तो बस आप लोगों की ये राय थी, लेनी थी आप लोगों से, कि आप लोग जो है ना मेरा साथ दें, और मुझे जो ये मैंने जो कदम उठाया है, आप मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इस पर कामयाब करे, ठीक है। और इसमें कुछ मेरे दोस्तों की भी राय थी, उन्होंने भी मेरी जो है ना बहुत हौसला अफजाई की, उन्होंने कहा बोला कि इंशाल्लाह आप कामयाब होंगे इंशाल्लाह एक ना एक दिन। तो मेरी आप लोगों से भी यही दुआ है कि आप जो है ना मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक मुझे इस कदम पर कामयाब करने की तौफीक अता फरमाए।